जी, मैं तमाम देखने वालों से कहूंगी कि आप अपनी कहानियां #, जायका नेकी का #, जिंदगी में नेकी घोलो के #, के साथ ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम के फेसबुक पेज पर शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करती हूँ कि ये नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ जी, अब हम आते हैं अपनी SMD पिक्चर्स की तरफ। कुछ हमारा ये क्विज है जी। हर बच्चे के लिए 5 सेकेंड है और मुझे ज़्यादा टाइम देने की मुमानियत है, ठीक है, मना कर दिया गया। अच्छा जी, पहली पिक्चर जोनिश आपके लिए, ये क्या है और कहाँ है? जोनिश की। जोनिश, ये क्या है, ये किस जगह की तस्वीर है? 5, 4, 3, 2। घंटाघर। 1। जी नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। जी नेक्स्ट, ये कौन है? ममनून हुसैन। और ये कौन थे, क्या करते थे? पाकिस्तान के सदर। बिल्कुल ठीक, आपने एक सवाल का सही जवाब दिया और एक का गलत। ख्वाजा ख्वाजा साहब, आपके लिए पिक्चर दिखाई जा रही है, दो सवाल आपसे पूछूंगी। जी नेक्स्ट, ये कौन सी जगह है और कहाँ है? कोई मस्जिद है ये? गलत बेटा। 5, 4, 3। फैसलाबाद में है ये घंटाघर। 1। यूरोप में है, ये है रोमन कोलिजियम और ये इटली में है, ठीक है, इटली के शहर रोम के अंदर है। जी नेक्स्ट, ये कौन है? ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। बिल्कुल ठीक। नाम 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 इनका नाम जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। आधा नाम बताना है। नाम गुलाम सर। 5 वजीर आला बता दो दिया। 3, 2 गुलाम सबर। नहीं बेटा, महमूद खान। एक सवाल सही, एक गलत। ख्वाजा साहब आपने भी गलती की और एक सही। जी दानिश अहमद, ख्वाजा साहब की दो गलतियां हैं, दोनों आपने। नहीं बेटा, दोनों गलत हैं। वादे को मैंने कोशिश की थी मगर मैनेजमेंट ने कहा इशारा आ गया नहीं। जी नेक्स्ट दानिश, ये कौन है? मोहम्मद सईद, गवर्नर सिंध साबिका। बिल्कुल ठीक। जी नेक्स्ट, ये जियारत में जहाँ पे कायदे आजम रेजिडेंस। बिल्कुल ठीक। दानिश अहमद जीत गए। दानिश ने 5 सवालों के सही जवाब दिए, बल्कि 6 सवालों के सही जवाब दिए थे। 5 के सही जवाब दिए थे। कितने सवालों के सही जवाब दिए थे? 5। 5 के सही जवाब दिए थे और ये 2 मिलाकर 7। आपने 7 सवालों के सही जवाब दिए दानिश अहमद। आप हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। आ जाइए इधर, ये बेक पार्लर रिपास्टा एक्सपर्ट की तरफ से आपके साथ जाएगा और ग्रैंड फाइनल में आप हमारे साथ होंगे। आप इधर आजिए, आ जाएं। अच्छा, क्या सीखा आपने? क्या सीखा ये तो बताओ ना बेटा, क्या सीखा? बत्ती को जमा के रखें, दिमाग की लोड शेडिंग जला के रखना है। जमा के नहीं, जला के। शाबाश। और इतना टाइम नहीं लेते, वक्त की कदर करनी है, ठीक है। शाबाश शाबाश जी। हाँ जी, बेटियां रहमत होती हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था। माइक चल रहा आपका जी? दुख है कि नहीं आगे जा सकी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है। बिल्कुल ठीक, शाबाश। बेक पार्लर एक दीपास्ट एक्सपर्ट की तरफ से ये आपके साथ जाएगा और यही जज्बा रखना आप, ठीक है। शाबाश, ये मेहनत जारी और सारी रहनी चाहिए। तीनों बच्चों के लिए जबरदस्त क्लैप। अच्छा मैं भी कहूँ, मुझे खुशबू आ रही थी तो पता चल गया, हवा के झोंकों से पता चल गया कि गुलजार साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर आप से मैं पूछूंगी कि आपने फिर उन्हीं के कपड़े पहने? जी, माजी के कपड़े हैं और उन्हीं के डिजाइन हैं और उन्हीं का ड्रेस और इसी के साथ आज का तड़का रमजान स्पेशल स्टार्ट होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल, मैं पूछूंगी कैसे। नहीं नहीं, वैसे बोले ना जैसे आप बोलते हैं। जी, आज का तड़का रमजान स्पेशल स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल। और तैयारी पूरी है आज, माशाल्लाह हमारे पास जो है रेसिपीज भी हैं और काफी सारे
ब्रांड्स भी हैं डालडा से शुरू करेंगे बिग पार्लर का। आज हम टिक्का मैकरोनी बनाने जा रहे हैं। इसके 20 किस्म के टेस्ट मौजूद हैं मार्केट के अंदर। आप और 2-in-1 है, यानी कि दो मसाला भी होता है और मैकरोनी और पास्ता वगैरह होता है, तो दोनों को मिलाकर आप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये आपके जो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपके घर पर देता है। साथ में ऑलपर्स हैं और इसके साथ जामे शीरी हैं, स्प्राइट तो लाजमी चाहिए होगा और फ्रूटीन जो है ये भी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आज सब्रोसो से शुरू करूँगा। और सब्रोसो जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि 100% हलाल, आपके सेहत के ऐन मुताबिक और आपको बहुत सारे जो टेस्ट फराहम करता है। अगर ये जो है चिकन के चंक्स बनाए हैं इन्होंने, और ये जो चंक्स हैं ये आप सैलेड में भी डाल के बना सकते हैं। यानी कि आप चाट बनाना चाह रहे हैं, चाट के अंदर अगर आपको चिकन के कुछ चंक्स वगैरह शामिल करने, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप चाट में, सैलेड में, इस टाइप की चीज़ों में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा एक आपको रिजल्ट मिलेगा। और खाना बनाने की बातें तो बहुत सारी हम करते ही हैं, लेकिन आज मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ तमाम लोगों को। बहुत सारी खवातीन बड़ी मेहनत से रोज़ाना अपने घर पर इफ्तार बनाती हैं और बड़ी मेहनत करती हैं, रोज़ाना मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, लेकिन कभी कभार चाहिए कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए फूड पांडा जो है वो आपके पास मौजूद है। तो आप फूड पांडा पे ऑर्डर करके कभी कभार उनको थोड़ा सा रिलैक्स भी दें, इसलिए कि रोज़े में रोज़ाना काम करके इंसान थक भी जाता है, ठीक है। और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जो है आपको 70% तक डिस्काउंट भी मौजूद है, और साथ में ये है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में फ्री डिलीवरी है। तो इंजॉय करें अपने घर वालों के साथ फूड पांडा के साथ, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, एक तो आप ये चीज बना रहे हैं जो भी आपने बताई, अच्छा दूसरी चीज क्या बना रहे हैं आज आप? इसको हम कहते हैं प्याला चाट, ये मैं बना रहा हूँ, ये मैंने प्याला बनाया है। जो इतना खूबसूरत लग रहा है, ये किस चीज से बनाया? जो रोल की पट्टियां होती है ना, उसके नीचे एक चमचा रखा, ऊपर एक चमचा रखा, और इसे हमने फ्राई कर लिया, तो ये प्याला सा बन गया है। अभी हम चाट बनाएंगे और बनाने के बाद इसके अंदर जो है ना उसको हम, ठीक है ना। तो ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि एक प्याले में आपने टमाटर नहीं डालना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सब्रोसो की तरफ, और सब्रोसो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बेक पार्लर जो है वो बनाएंगे, और इस तरह से तमाम चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक। आपको मालूम है ना कि आज का हमारा टॉपिक है हसद जी। अच्छा, ये हसद, हसद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हसद की बीमारी से हमेशा बचना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है बिल्कुल। और ये किसी को अगर ये बीमारी हो जाए तो बस फिर बड़ी मुश्किल में हो जाता है बंदा। मुश्किल क्या, आप सोचे वो तो फिर शैतान के मुरीदों में उसका शुमार हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। डालडा से शुरू करेंगे और सेहतमंद इफ्तार के लिए डालडा जो है वो बेहतरीन आपके लिए है। और डालडा मैंने इसमें डाल दिया है, और चंक्स को जो है ये भी मैं इसमें इन कर दूंगा। हसद करने वाला ना तो खुश रहता है, खुद खुश रहता है, ना किसी और को खुश रहने देता है। हाँ, अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियां भी हराम कर देता है। बिल्कुल ठीक। हसद की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह की डिवीजन में से इत्तेफाक ना रखना। जैसे कि आज मैं रश कर रही हूँ कि वो फैरा ने बहुत प्यारे कपड़े पहने हैं, जो उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पिंक कलर बहुत अच्छी लग रही है। मैं रश कर रही हूँ, मैं हसद नहीं कर रही, मैं रश कर रही हूँ कि मुझे वो अच्छी लग रही है। अब मैंने काले इसलिए नहीं पहने कि मुझे नज़र ना लगे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बहनों में सबसे अपने आप को कम नंबर देती हूँ कि मेरी बहनें सारी बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं कहती थी अम्मी ने उनको खाते वक्त पता नहीं ऐसा क्या खूबसूरत फल खाया था। ये मेरी मिशी कहते हैं वो कौन सा अमरूद, गुलाबी रंग का अमरूद, अमरूद भी है और बरी का फल है, बरी का फल। मेरे दो बहन भाइयों की कलर डाइज हैं, तो मैं ये कहती हूँ उनके टाइम पे क्या खाया था जो मेरे टाइम पे नहीं। ये भी बस देखिए, ये भी इंसान किसी चीज में खुश नहीं होता है ना। सही बात है, अच्छे से अच्छे की तलाश तलाश वो ठीक है, मगर लेकिन अल्लाह का करम मुबतला नहीं होना। और फिर वो मौला अली अलैहि सलाम का कॉल है ना कि जब हासिद के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि वो जब आपको खुश देखता है तो गमगीन हो जाता है। बिल्कुल, और अपने आप में खुश रहता है। जी जी। तो मैंने कहा चलें आप
तो यहाँ आती है हमेशा जी, तो बिल्कुल वो कैमरा था तो मेरा कैमरा मूव कर जाए जी, जी, जी। और फिर आपने खुद ही तो डरा दिया है कि खाने की खुशबू से आदमी मोटा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन तभी मैं कल पहले एक मील भाग रही थी, कल से मैंने 2 मील स्टार्ट किया। अरे वाह। लेकिन मैंने देखा है कि आप काफी एक्टिव रहती हैं, काफी समझ में आपकी वॉकिंग वगैरह, सुबह से इतनी लंबी ट्रांसमिशन करना, इंसान वैसे ही ट्रांसमिशन मिर्जा साहब ये जो इतना पुलंदा देते हैं ना पेपर्स का, नाम याद रखने, सवाल याद रखने, ओपनिंग किससे, इंसान मोटा होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। मैं खुश हूं, कान में हर वक्त ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, अब आप ये नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें, टाइम का, तो मैं तो यकीन कीजिए अपनी सलाह तो अपनी जगह है, मगर मुझे लगता है मैं बहुत सारे टीचर्स में घिर गई हूँ। ठीक ठीक ठीक। और वो भी आपको एक वापस नहीं, जैसे आप एक स्टूडेंट के उस ओरा में चले जाते हैं उस टाइम पीरियड में। आज आपने बताया नहीं कि आपने ड्रेस जो है वो, अच्छा आज जी बिल्कुल, ये मेरा पूरा वीक जो है ये मनारा बाय मारी आसिफ बेग ये उनका चल रहा है, और ये ब्लैक कलर था, हालांकि मैं फेरा से कल कह रही थी बिल्कुल कि आपने ब्लैक कलर क्यों पहना मौसम की मुनासिबत से, सही, सही, मगर सही। ये इतना खूबसूरत इसका डिजाइन था कि मैं मजबूर हो गई इसको पहनने के लिए। बहुत प्यारा ड्रेस है और आप पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मैं फौरन अपना ड्रेस दिखा कर ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि वरना गुलजार साहब या फिर मॉडलिंग शुरू कर देंगे। इस वक्त लिख रहे हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे और आज का तड़का में पूछेंगे कि गुलजार साहब और क्या क्या मजेदार डिशेस बना, बहुत मजे मजे की चीजें बननी आ रही है। छोटा सा इंतजार कीजिए, छोटा सा लेते हैं ब्रेक और फिर वापस आते हैं। खाना घर में आपने भी बनाया, बेगम ने भी बनाया, और कभी ऐसा हुआ कि उनका खाना ज्यादा मजेदार हुआ और आपको हसद हुआ हो कि ये मतलब मैं ज्यादा सीनियर और मुझसे ज्यादा अच्छा इसने खाना बनाया और इसके खाने की ज्यादा तारीफ हो गई, कभी हसद हुआ? एक चीज का पता शायद नहीं था इसलिए आपने ये सवाल पूछ लिया। इत्तेफाक की बात है कि हमने दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और हम दोनों शेफ हैं, हमारी दोनों की डिग्री जो है वो एक ही जगह की है, इसलिए दोनों तकरीबन एक दूसरे के मुकाबले का ही बना लेते हैं। लेकिन लिटरली टीवी पर, नेशनल टीवी पे, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसके अंदर ऐसा हुआ कि मेरा उसका कंपटीशन हो गया, उसमें मैं हार गया तो मुझे वहाँ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये बोला कि आप जानबूझ कर हारे हो। मैंने कहा मैं कभी इस तरह की हरकत करता नहीं हूँ, मैं आधा जापानी हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ। तो हार गया सो हार गया, मुझे लगता है कि आप पूरे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मगर आपने अच्छी बात जो है वो वहाँ से सीखी है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बहुत बुरी बात है, हमने झूठ पर भी सेगमेंट किया था। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब कभी आप ऐसे सच बता दें जानकर हारे थे या नहीं? नहीं, वाकई हार गया था मैं, इसलिए कि वो हमारा जो कंपटीशन था वो चाइनीज डिश के ऊपर था। अच्छा, तो जाहिर बात है वो तो जापानीज है, वो तो उस मुल्क के रहने वाली है, वो तो अगर मैं बिरयानी मैं बनाऊंगा या वो बनाएंगी तो बिरयानी ज्यादा अच्छी मैं बना लूंगा, इसलिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इसी चक्कर में वो चाइनीज उन्होंने ज्यादा अच्छा, मुझसे ज्यादा अच्छा बनाया। ये बात आप 24 साल पहले कह सकते थे। जी जी, अब 24 साल से बिरयानी खा भी रही है, बिरयानी बना भी रही है, बना भी रही है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा दे सकती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं और मुझसे ज्यादा अच्छा बनाती हैं। कहने का मकसद कि आप कभी हसद में मुब्तला नहीं? नहीं होता मैं, हसद है ही बहुत बुरी चीज ना। बिल्कुल, मुकाबला कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करता हूँ और कोशिश होती है कि हेल्दी कंपटीशन में ही जिंदगी गुजारा जाए, वही सबसे अच्छी चीज है। इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे लड़कर अपना वक्त जाया करना है, अपना वक्त जाया करना है, और इसके अलावा मैं तो बस इतना कहूंगी कि बीवी से हारने में ही जीत है। जीत है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तालियां समझदार शौहरों के लिए टिप। तो मैंने डालडा इसमें डाल दिया, इसमें चिकन हमने शामिल की थी, थोड़ा सा पकाने के बाद थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है, ये अपनी तरफ से मैं थोड़ा इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहा हूं। अच्छा, हरी मिर्च का बड़ा मजे का जायका है। हां बिल्कुल, और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ मेरे पास जो है बेक पार्लर का टिक्का मैक्रोनी 2-in-1, इसमें मसाले का पैकेट मौजूद होता है जिसके अंदर तमाम फ्लेवर मौजूद होते हैं, बस आप इसको खोलना है और इसको इस तरह से इसमें शामिल कर देना। अब आपको नमक वगैरह की किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, ऑल इन वन है ये। ठीक है जी, आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैक्रोनी हमने बॉइल कर लिए, बॉइल्ड पानी के अंदर तकरीबन खुशबू अच्छी आई है, टिक्के जैसी खुशबू, बिल्कुल।
थोड़ा ब्राउन करेंगे आप। मैं एक आइडिया और दे देता हूँ, जब ये मैक्रोनी तैयार हो जाए तो अगर आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल रखें बीच में और उसमें कोयले का एक पीस रखें जलाकर, और उस पर ऑयल डाल दें, उसका जो धुआं होगा ना उससे पूरा मैक्रोनी जो है उसमें आपको जो बारबेक्यू का फ्लेवर वो आ जाएगा। ये एक टेक्निक है मेरी तरफ से, कोयले का धुआं। जी कोयले का धुआं जी, मेरी जेठानी है जी वो करती हैं ऐसे। अच्छा, उन्होंने गोश्त बनाया था और इसी तरह फॉयल में कोयला बंद कर दिया, और जब उठाया जी तो सारे गोश्त में उसका जायका था। जायका आ गया, बिल्कुल आसान तरीका, इसलिए कि कोयला जलाना या उसको बनाना एक मुश्किल काम है, इसलिए इससे बेहतर है कि आप उसको आसानी अच्छे से काम के लिए फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे। अब मैं इसमें मैक्रोनी शामिल करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। बॉयल करके रखिए जी, और थोड़ा सा इसको हाथ से खोल कर डालें ताकि इसमें ये इसके मोटे मोटे चंक्स ना बन जाए, ठीक है, ताकि मिक्स होने में भी आसानी हो। और हमेशा की तरह मैं जब कहता हूँ कि दो चम्मचों से इसे मिक्स करना चाहिए ताकि मैक्रोनी टूटे नहीं, और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि चाहे इर्द गिर्द जितने मर्जी चमचे हों लेकिन आपने उनकी नहीं सुननी, नहीं सुननी, और जो जरूरत की चीज है बस दो चमचे इस्तेमाल, दो ही करने हैं बस, ठीक है, बिल्कुल ठीक, जो राइट और लेफ्ट पे हों दो चमचे वही वही कर लें, उनको वफादार जाने। क्या कह रही हूँ फिर? उनको वफादार जाने जो राइट और लेफ्ट पर जो आपकी सलाह करें, बिल्कुल, जो आपको पॉजिटिव राय दे, आप पर पॉजिटिव तनकीद करे, आपको सही गलत के पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा और मैटर करता है। अरे मेरी प्यारी बहन, इस पर क्रिटिसिज्म किसी को बर्दाश्त नहीं, नहीं है, उसने मुझे यूं क्यों कह दिया, चाहे आप किसी के भलाई के लिए भी बोले। सही कह रही हूँ आगा बादशाह, क्यों शफीक भाई, आप किसी की भलाई के लिए भी अगर कोई एक बात कहें तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये मुझसे जल गया। सही बात है, इसका मुझसे जलन हो गई इसलिए मुझे यूं कह रहा था। हालांकि वो आपको और बेहतर करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप और बेहतर बन जाएं। अच्छा, इसकी निशानी है कि अगर आप, मैं बिल्कुल पूछती रहूंगी, मगर हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है सेकंड के, जी जी, तो आप मुझे बताएं कि ये आपने चिकन मैक्रोनी बना ली, मैक्रोनी बना ली है, इसको मैं डिश आउट कर लूंगा। यहाँ मेरे पास चने की दाल है जी, चने की दाल को मैं इसमें पकाऊंगा, और पकाने के बाद इसमें थोड़ी प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, चाट मसाला, लेमन जूस, नमक, ये डालकर इसको मैं पका भी दूंगा पकाने के बाद, और इसे हमने इस प्यालों में ऐड डाल देना है दही के और ऊपर नहीं, ऊपर से दही डाल देना है। अच्छा, और थोड़ा चाट मसाला सिड़क देना है, और इसी प्लेट पर रखकर इसे तोड़कर आप उसी में जो है ना मिक्स करके, पानी आ रहा है मुंह में, ठीक है, तो ये है अभी फिलहाल इसके लिए, ठीक है जी, तो जबरदस्त, फिलहाल मैं इसे मिक्स करके डिश आउट कर लेता हूँ। अरे वाह, देखिए कैसे जल्दी तैयार भी हो गया। मैक्रोनी टिक्का मैक्रोनी, ठीक, टिक्का मैक्रोनी बेक पार्लर का, ठीक, बेक पार्लर का तैयार हो चुका है जी। अब मैं आ जाता हूँ अपने जी उसी रेसिपी की तरफ, ठीक है, और इसमें हम थोड़ा सा दाल डालेंगे, ठीक, और इसमें ये चने की दाल वैसे बॉइल्ड हुई हुई है, और इसे आप ज्यादा और बॉइल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस इसी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो उसके अंदर खुशबू अच्छी सी आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसमें चने की दाल डाल दी, बॉइल्ड चने की दाल, मुझे वैसे ही चने की दाल मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी चाट, यानी कि आपने चने की चाट तो बहुत सारी खाई होंगी, चने की दाल की चाट जो है ना वो शायद आप पहली दफा, पहली बार ही खाऊंगी, बाकी बिल्कुल सही, थोड़ा सा प्याज, चने की दाल के पकौड़े खाए हैं मैंने, बिल्कुल, मगर चाट मैंने कभी नहीं खाई। हरी मिर्चें, ठीक, पुदीना, बिल्कुल ठीक, हरा धनिया, अच्छा, बस इसको हल्का सा पकाना है हमने, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक, नमक डाल दिया हल्की जरूरत, और नींबू का रस सारा डाल दिया, और एक चीज मैं नहीं डाल रहा वो है टमाटर आप डालना चाहें तो डाल, जिसको जरूरत होगी उसके प्याले के अंदर डाल देंगे, बिल्कुल ठीक है। और इसको हमने मिक्स करके प्यालों में डाल देना है, ऊपर से दही डालना है, और ये चाट मसाला है इसे छिड़क देना है, ये बाद में डालें, बिल्कुल, ताकि उसकी शक्ल खूबसूरत नजर आए, बिल्कुल, और इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए सारी चीजें बनी हुई है, सिर्फ हल्का सा सौते कलर, सिर्फ रंग देना है, बिल्कुल कलर देना है सिर्फ, ठीक है, ताकि सब चीजें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। और ये एक नई चाट है, चने की चाट, काले चने की चाट तो हम खाते ही हैं जी जी, लेकिन ये चने की दाल की चाट भी जो है ना बहुत मजेदार होती है ये, और बहुत हेल्दी भी होती है। सॉरी आपको आका भाई, मैं आपसे पूछूंगी कि ये चने की दाल है ये जिगर के लिए खराब तो नहीं? नहीं नहीं, ये जिगर के नुकसान, जो जिगर के अर्जे में मुब्तला लोग हैं उनके लिए फायदेमंद है, फायदेमंद है,
खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं जिगर। अच्छा, ये बड़ी एक दो इम्पोर्टेंट सवाल, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सवाल मैंने पूछे। चने की दाल में लौकी को पका के खाया जाए तो जिगर के लिए बहुत ज्यादा सूदमंद होती है, और इसको खाने के बाद फिर थोड़े से अंगूर खाए जाए, आधे घंटे के बाद अंगूर खाए जाए तो सोने पे सुहागा है, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अच्छा, क्या बात है। खाने की चीजों से भी आप अपने जिगर को, असल में तो देखिए इलाज बिल्कुल। तो आपका तड़का, आज का तड़का, जी आज का तड़का मेरा कंप्लीट हो गया। स्प्राइट के साथ इसको सर्व करेंगे। और जाते जाते ये बता दूं कि कभी कभार बहुत सारी खवातीन बड़ी मेहनत करके इफ्तार बनाती हैं, थक हार जाती हैं, तो फूड पैंडा को ऑर्डर करें और 70% तक जो है डिस्काउंट हासिल करें, डिस्काउंट हासिल करें। और इसके साथ साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट में फ्री डिलीवरी भी है, तो उसके डिलीवरी चार्जेस भी बहुत सारे रेस्टोरेंट पे नहीं लगेंगे। फूड पैंडा जिंदाबाद है। ठीक है जी, थैंक यू। आज का तड़का, अल्लाह हाफिज़। आज का तड़का में जो चीज़ें बनी हैं इनके साथ हम जस्टिस करेंगे इफ्तार के बाद। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया कि आपने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है। वो शख्स होशियार और मामला फहम था। उसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन देखना चाहिए, अगर सामने से चाक है तो जुलेखा सच बोलती है, अगर पीछे से चाक है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है। तहकीक पर पैरहन पीछे से चाक निकला। अजीज़ मिस्र को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मामला रफा दफा कर दिया, मगर ख़ानदान में ये बात किसी ना किसी तरह से फैल गई। औरतों ने जुलेखा पर लान तान करना शुरू कर दिया। हकीकत हाल उन पर आश्कार करने के लिए एक दावत का अहतमाम किया। तवाज़ो के लिए फल रखे गए। जुलेखा ने मेहमानों को फल काटने को कहा और ऐन उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब से गुजारा गया। हुस्न जमाल के मुजस्मा और मर्दाना वजाहत के पैकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब औरतों की निगाह पड़ी तो उनके हवास मुअत्तल हो गए और उन्होंने फलों के साथ अपनी उंगलियां भी काट डाली। जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करना जारी रखा और बिलाखिर आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर जेल भिजवा दिया। आप 7 बरस जेल में कैद रहे। आप खुदाए बुजुर्गो बरतर के जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। दीन इब्राहिमी की दावत और तबलीग मनसब नबूवत का तकाजा था। चुनाचे कैद के दौरान आप कैदियों को तौहीद की राह इख्तियार करने की दावत, नेक अमल करने की तलकीन और बुराइयों से दामन बचाने की नसीहत फरमाते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी बेहद तवील और सबक आमोज हैं। वक्त की कमी के बायस आज यहीं तक, क्योंकि आपको ये बताना मकसूद था कि किस तरह हसद इंसानी ज़िंदगी में दाखिल होकर हंसता बसता घर उजाड़ देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद में उन्हें कुएं में फेंक कर ना सिर्फ उन्हें अपने वालिद से जुदा किया बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद व बंद की सोबतें भी उठाना पड़ी। मिलकर अक्ल को बाहर निकाल देते हैं। आज की ट्रांसमिशन यकीनन आप सबको पसंद आई होगी। बहुत अहम टॉपिक था, उस पर तमाम हमारे सेगमेंट के अंदर उस हवाले से गुफ्तगू हुई। आज न्यूज़ के देखने वालों से हम इजाज़त चाहेंगे और आज इंटरटेनमेंट से मैं यही कहूंगी तमाम देखने वालों से कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी बरान रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में एक बहुत ही प्यारी शख्सियत के साथ। आज हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जितनी खूबसूरत बातें हुई हैं मुझे यकीन है कि इन्होंने आपके दिल पर असर ज़रूर किया होगा। हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदिया रसूल, नाते रसूल पेश करेंगी बुशरा बिलाल। जी बुशरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला कफन मैला नहीं होता। मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कम जज़्बा है सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। जमीन में मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं।